नौनौसा थाना क्षेत्र के महम्मदपुर गांव के 75 खंधा के पाइन में मंगलवार की सुबह महिला का शव बरामद हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस शव को अपने कब्जे में लिया था और पोस्टमार्टम भी हाटशरीफ में कराया था। क्रापसोय थाना में गुमशुदगी की शिकायत की गई थी। महिला की पहचान क्रापसोय निवासी पवन कुमार के 24 वर्षीय पत्नी सविता कुमारी के रूप में की गई थी। महिला के पिता इस्लामपुर थाना क्षेत्र के छोटी पटना गांव निवासी बिरजू राम ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस के आरोपी पति व ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर हिलसा के DSP सुमित कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, जरा सुनिए। नौसा में रामघाट के पास जो धर्मपुर पुल है वहाँ पे 75 नहर के पास एक महिला का शव मिला था। तो उस समय उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। बाद में उस शव का पहचान कराया गया तो एक दिन पूर्व 16 तारीख को नगरनौसा थाने में ही एक सनहा दिया गया था मिसिंग का। तो उसकी पहचान हो पाई। पहचान होने के बाद उस लाश का पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया। मीनवाइल उसकी जो मृतका है उसके जो मायके के लोग हैं उनके माता पिता वो लोग आके भी बॉडी का शिनाख्त किए और उनके द्वारा बताया गया कि उसका जो पति है पति और ससुर के द्वारा ही निरंतर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और इसी क्रम में उसकी हत्या कर दी गई है और इस तरह से लाश को छुपाने के लिए नहर में फेंका गया है। और ये पूरा षड्यंत्र रच के उसके पति द्वारा ही एक दिन पूर्व एक मिसिंग की शिकायत दर्ज कर दी गई थी। तो इसमें पुलिस ने अनुसंधान किया और अन्य लोगों से भी जब हम लोगों ने पूछताछ की तो यही मामला निकल के आ रहा था। तो इस पूरे मामले में जो पति और ससुर है मृतका का उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हम लोग उन लोगों को भी जेल भेज रहे हैं।